आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। टमाटर की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं इसकी एक बड़ी वजह सप्लाई में कमी होना माना जा रहा है। कई शहरों में एक किलोग्राम टमाटर का भाव 100 रुपए के भी पार पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में एक किलोग्राम टमाटर की कीमत 40 रुपए से 70 रुपए के बीच बनी हुई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने गेहूं एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना और सख्त कर दिया है। अब देश से बाहर गेहूं भेजने वालों को 13 मई या उससे पहले के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ विदेशी बैंकों के साथ मैसेज के एक्सचेंज की डेट भी बतानी पड़ेगी, तभी उनके एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। गेहूं के निर्यात में हो रही धांधली पर विदेश व्यापार निदेशालय यानी कि DGFT ने बड़ा फैसला लिया है। इसने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा है कि निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसके सभी कागजों का भौतिक सत्यापन किया जाए। वाणिज्य मंत्रालय के आदेश पर यह काम किया गया है। जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने जून के लिए देश के 527 मिलों को चीनी बिक्री का 21 लाख टन कोटा आवंटित किया है। इस बार पिछले महीने की तुलना में कम चीनी आवंटन की गई है। तुर्की प्रशासन ने भारत द्वारा भेजी गई गेहूं की खेप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तुर्की के अधिकारियों ने कहा है गेहूं की इस खेप में फाइजोसैनिट्री की शिकायत है, इस वजह से इसे लेने से मना किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने ग्राम उपार्जन की तिथि बढ़ा दी है। उपार्जन प्रक्रिया 31 मई को समाप्त होनी थी, लेकिन अब किसानों की सुविधा के लिए इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 7 जून तक सरकार चने की सरकारी खरीद करेगी। महाराष्ट्र के हिंगोली के बाद सांगली जिले में हल्दी का बड़ा बाजार है। सांगली मंडी समिति में हल्दी की आवक बढ़ने के बावजूद किसानों को काफी राहत मिली है। सांगली बाजार में अन्य राज्यों से हल्दी की मांग भी बढ़ी है। खाने के तेल की कीमतें घटाने के लिए सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाम तेल के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती की गई है, जबकि सोयाबीन तेल और सोने चांदी का बेस इंपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है। रबी की फसल के बाद और खरीफ की फसल के पहले गर्मी में बोई जाने वाली फसलों की बुआई का सरकारी आंकड़ा जारी हो गया है। इसमें कुल मिलाकर गर्मी की फसलों का रकबा करीब 5.1% बढ़ा है। हालांकि धान के साथ मूंगफली का रकबा कम हुआ है। चौतरफा महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार की तरफ से कई कड़े और बड़े फैसले किए गए, जिसका असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। आटा से लेकर चावल तक की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आटे की कीमतों में 5% और चावल की कीमतों में 7% की गिरावट देखने को मिली है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।